अब जोगी जी के साथ में सेशन की शुरुआत करेंगे। जोगी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जो थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखता है वो ये मान सकता है कि आप इनकी बातों से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो फिल्म का भी एक डायलॉग है ना कि आप एग्री करें डिसएग्री करें लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और छत्तीसगढ़ की सियासत में, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर इतिहास में ये दर्ज हैं। इसके अलावा एक नई पार्टी बनाकर दावा किया कि अब छत्तीसगढ़ की अस्मिता को किसी दिल्ली के आदेश की या निर्णय की जरूरत नहीं है, सारे आदेश सारे निर्णय सारी योजनाएं यहीं से बनेगी। और इसी तीसरी ताकत के जब सुप्रीमो हमारे बीच में बैठे हैं तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। IBC24 कॉन्क्लेव 2019 कल, आज और कल, इसमें हम तीसरी ताकत, इसकी वास्तविकता के बारे में पहला सवाल पूछना चाहते हैं। जोगी जी, चुनाव से पहले पार्टी बनाते समय आपने कहा कि अब छत्तीसगढ़ियों का निर्णय छत्तीसगढ़ की धरती से होगा, अब दिल्ली से कोई निर्णय यहां थोपा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ चुनाव के बाद भी दिखा नहीं। जब से CPN बरार बना तब से अब तक छत्तीसगढ़ जो उसी का अंश है, यहाँ एक तीसरी शक्ति बनाने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने प्रयास किया। DP मिश्रा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, और नाम मैं ऐसे नहीं लेना चाहता जो बहुत सम्मानित हैं, पर उनमें से कोई भी प्रयास इन 81 वर्षों में, पहला चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत 36-37 में हुआ था, तब से लेकर अब तक करीब 20 बड़े बड़े लोगों ने तीसरी शक्ति बनाने का प्रयास किया और कोई भी सफल नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा एक विधायक विद्याचरण जी के जमाने में उनको मिला था। ये पहली बार है कि एक तीसरी शक्ति हमने बनाई, 15% वोट लिए, जबकि हमको चुनाव चिन्ह केवल 2 महीने पहले मिला और 2 माह में बस्तर, सरगुजा और सुदूर अंचल तक चुनाव चिन्ह पहुंचाना असंभव है। मैं उसकी लड़ाई न्यायिक रूप से चुनाव आयोग से लड़ भी रहा हूं कि ये कैसा कानून है कि आप पार्टी बनाने देते हैं, चिन्ह ही नहीं देते, और चिन्ह ही मुख्य होता है ग्रामीण भारत में। तो चुनाव चिन्ह 2 महीने पहले मिला, 2 साल पहले पार्टी बनाई, उसके बावजूद हमने 15% वोट लिए और 7 विधायक जीत कर आए। कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें बहुत नज़दीक से हारे, 7 या 8। तो और अगर भाजपा के बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं वो खुश नहीं हो जाती 45-65 का दावा करके 15 पे नहीं सिमट जाती और 30 सीट भी ले आती तो फिर हम सरकार बनाने की स्थिति में होते, क्योंकि तब भाजपा और कांग्रेस की ऐसी लड़ाई होती कि कोई भी 45 सीट क्रॉस नहीं करता। पर जो भाजपा का पतन हुआ और 2 महीने पहले हमें चुनाव चिन्ह मिला और ज़्यादातर जगह ये कहा गया किसको वोट दोगे, जोगी जी को दोगे तो पंजा उनका निशान है उसी में देना, और लोगों ने माना कि हमारा पार्टी का निशान पंजा है। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 81 साल के इतिहास में पहली बार तीसरी शक्ति का उदय हुआ है।
पहली बार हम पूरे 20,000 गांव तक पहुंचे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अब तीसरी शक्ति स्थापित हो गई है। देश के 3/4 प्रदेशों में तीसरी शक्ति ही वहां की आंचलिक या क्षेत्रीय पार्टी ही सबसे बड़ी शक्ति है। केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात चार प्रांतों में क्षेत्रीय पार्टी शक्तिशाली नहीं है। अब छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल हो गया और भारत के इतिहास को आप देखें तो यहाँ हमेशा 5,000 साल के इतिहास को देखें तो हमेशा क्षेत्रीयता हावी रही है। जब 47 में देश आजाद हुआ तब 565 रजवाड़े थे, ब्रिटिश शासित राज तो अलग था, उसको छोड़कर भारत 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था जिसको सरदार पटेल ने एकीकरण किया। तो प्रकृति से, स्वभाव से भारतवासी आंचलिकता यानी छत्तीसगढ़ में हम जो खाते हैं और तमिलनाडु वाले जो खाते हैं और पंजाब वाले जो खाते हैं इसमें कोई समानता न वेशभूषा में मिलेगी, ना खान पान में मिलेगी और ना हमार संस्कृति में मिली। करके और यही कारण बता के मैं क्षेत्रीय पार्टी बनाया हूँ। आदरणीय सोनिया जी ला बोले हूँ ठीक है कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं अलग होता, मैं आपके पार्टी में बहुत वरिष्ठ और सम्मानित हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी में जब छोड़े तब ओल्डेस्ट मेंबर रहा हूँ गुलाम नबी आजाद के बाद। ठीक है, इवन सोनिया गांधी जी 98 में बने रही, मैं 97 में बन गए हूँ। इतना सम्मान पाए के बावजूद मोला ये लगते कि भारत के संस्कृति में, भारत के रक्त में क्षेत्रीयता हावी है, छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीयता हावी है और विकास पर अगर हम सच में विकास चाहतन तो क्षेत्रीय पार्टी ही हमार भावना ला समझ के हमार विकास कर सकते हैं।